रविवार 4 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 181 रन लगाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने रन चेस करते हुए 5 विकेट से जीत हासिल की। आपको बता दें कि इस दौरान टीम इंडिया के गेंदबाज और फील्डिंग कर रहे अर्शदीप सिंह से कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें घेरा जा रहा है। लगातार फैंस उन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, तो वहीं कुछ फैंस उनकी गलती को सिर्फ गलती ही देख रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, उसकी ओर अगर नज़र डालें तो अर्शदीप सिंह जो कि भारतीय युवा गेंदबाज हैं, उनसे फील्डिंग के दौरान आसिफ अली का एक कैच छूट गया, जिसके बाद एक कैच ड्रॉप होने के बाद रोहित शर्मा भी उन पर गुस्से में दिखाई दिए और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके अलावा अर्शदीप सिंह ने जैसे ही आसिफ अली का कैच छोड़ा, इसके बाद आसिफ अली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। बात करें अगर आसिफ अली की, तो उन्होंने इसके बाद हर गेंदबाज की गेंदों पर चौके छक्के लगाए और पाकिस्तान की टीम ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि अब इसी के बाद से अर्शदीप सिंह को घेरा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग अर्शदीप सिंह को घेर रहे हैं और लोगों का कहना है कि अर्शदीप सिंह अगर वो कैच ना छोड़ते तो शायद टीम जीतने में कामयाब होती। बता दें कि आसिफ अली ने कैच ड्रॉप होने के बाद 8 गेंदों में कुल 16 रन बनाए और टीम जीतने में कामयाब रही। लेकिन आपको बता दें कि अब भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली और साथ ही पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह और इरफान पठान अर्शदीप सिंह के बचाव में आए हैं। विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक बार मैंने भी खुद चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एक गलत शॉट खेला था, मुझे लगा था कि इसके बाद मेरा करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों ने मुझे बैक किया और मुझे खुशी है कि इसके बाद मैं खेल रहा हूं। ऐसा ही होता है, कई बार आप प्रेशर में होते हैं जानबूझकर के कोई भी कैच नहीं छोड़ता है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कहा, आप भी सुनिए। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास कैच आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए। इसके अलावा हरभजन सिंह की बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा कि आपको युवा खिलाड़ी अर्शदीप सिंह को ट्रोल करना, क्रिटिसाइज करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर के कैच नहीं छोड़ता है, हमें अपने भारतीय युवा खिलाड़ियों पर गर्व है। साथ ही हरभजन सिंह ने आगे लिखा कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला और इस वजह से वह मुकाबला जीता, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लगातार अर्शदीप सिंह को ट्रोल कर रहे हैं और ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार उन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि अर्शदीप सिंह हमारे भारत का उज्जवल भविष्य है। इसके अलावा इरफान पठान की बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट किया और वह भी अर्शदीप सिंह के सपोर्ट में आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अर्शदीप सिंह एक मजबूत इंसान है, उसी तरह बने रहो, और साथ ही उन्होंने लिखा कि ट्रोल नहीं करना चाहिए। बता दें कि अर्शदीप सिंह से वो कैच छूटने के बाद लगातार ही उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अब दिग्गज खिलाड़ी उनके सपोर्ट में आए हैं। क्या कुछ आपकी राय है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।